हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो पैराबोला से रिलेटेड होगा। अगेन, इस वीडियो लेक्चर का मेन एम जो है वो यही है कि मैं आपके सोचने का तरीका को चेंज कर सकूं, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अल्टरनेट वे में सॉल्व करना है वो तरीका बता सकूँ। तो इसलिए बेटा, ये वीडियो लेक्चर को ऐसा मत मानना कि मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा मान के चलना है कि सर सोचने का तरीका बता रहे हैं, और इस सोचने के तरीके को अगर आप अडॉप्ट करोगे, अगर आप ऐसे थिंक करोगे, तो डेफिनेटली आपसे प्रॉब्लम बहुत ईजिली बनेगा और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहले हम पैराबोला में सम ऑफ द बेसिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, यू नो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, डैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। तो अब देखो, y की वैल्यू आप प्लस रखो या माइनस, इधर तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए इधर x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी ये डिफाइन हो पाएगा, राइट। तो इसलिए ये जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बस समझ में आ गए। वैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे समझो x प्लस रखूँ या माइनस, प्लस ही होगा, तो इसलिए y को क्या होना पड़ेगा, प्लस। y प्लस कब होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। तो इसलिए ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट। जैसा इधर है वैसा इधर, एग्जैक्टली मिरर इमेज यू कैन से। वैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax में क्या हो गया, वाई प्लस रखो या माइनस, पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो इसलिए एक्स को निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव है, तो एक्स को निगेटिव होना पड़ेगा। तो ये यू नो कि इधर एक्स निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एंड सो ऑन। आई होप ये समझ सकते हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें पॉइंट्स अब क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो ये वाला पॉइंट होता है 0, इसको बोलते हैं फोकस, राइट। ये फोकस होता है पैराबोला का। पैराबोला यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट जहाँ पे 0, 0 है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वर्टेक्स है, राइट। तो पैराबोला को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक्चुअली फोकस से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो, फोकस से पैराबोला पे जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस और उस पॉइंट का इस लाइन से, एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल होता है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो पैराबोला का लोकस है। समझ के बाद, इसलिए पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझना कि फोकस से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पूरे जो कर्व दिखा है इस पे कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस के बराबर होगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो वो पैराबोला का लोकस होगा। समझ के बाद। नाउ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो तो आप बना सकते हो, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको इस फॉर्म में आप लेके आ सकते हो, वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एक्स वन, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर इसके रिजल्ट को इसी से कंपेयर कर लेना आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको मिल जाएगा। ओनली थिंग इज कि क्या हो जाएगा, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और ये बिल्कुल ईजिली बनाना है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, राइट। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ओपन हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट है, डैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो दिख रहा है कि यहाँ तक, यहाँ तक 2a है, यहाँ भी 2a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 times of a, राइट। वेयर a इज व्हाट, फोकस ऑफ द पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा तो 4a होगा। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर लेना हो, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax है, तो 80 स्क्वायर का मार 280 ले सकते हैं, राइट। इस पॉइंट को पुट करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए, डैट्स वेरी इजी। तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट को मैं कई बार यूज भी करूँगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कि अगर कोई लाइन कॉमन टेंजेंट है सर्कल को भी और पैराबोला को भी, अगर एक लाइन टेंजेंट है सर्कल एंड पैराबोला को, तो डेफिनेटली अगर मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ तो क्या होगा, रेडियस। तो वही पॉइंट को लिखा है कि इफ़ लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला, देन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन विल बी इक्वल टू रेडियस। डैट मीन्स अगर ये ग्राफ से समझे, तो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। क्यों, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई लाइन जो है वो पैराबोला को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, डैट मीन्स टेंजेंट है। इफ़ लाइन टचेज पैराबोला, सिर्फ टच कर रही है, डैट मीन्स टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा, उस लाइन को अगर उस पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, चूंकि उसका रूट
दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इक्वल रूट के लिए हम क्या लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट मैं यूज करूँगा। ये सब बेटा कंसेप्ट है जो ध्यान में रखना है। पाँचवा पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पैराबोला पे कोई टेंजेंट की इक्वेशन लेनी अगर हो पैरामेट्रिक फॉर्म में या एक्स वन वाई वन पॉइंट के फॉर्म में, तो डेट्स वेरी इजी, वाई इंटू वाई वन, तो वाई तो आपका वेरिएबल होगा वाई वन जिस पॉइंट पर आप ले रहे हो, राइट, इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एक्स वन, अगेन एक्स वन वाई वन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाले पे, राइट। वैसे ही अगर पैरामीटर फॉर्म में लें तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये टेंजेंट की इक्वेशन है। और अगर ये लाइन का स्लोप अगर मान लेता हूँ मैं, एम है, यहाँ देख सकते हो ये पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए टी स्क्वायर का मान 280 लोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस लाइन का स्लोप एम है तो इस फॉर्म में ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये सब इक्वेशन कहाँ से आया, तो वेरी सिंपल, यू नो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो टू वाई वाई डैश मतलब डिवाइड एक्स इज इक्वल टू फोर ए हो गया। तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, टू से टू कैंसिल हो जाएंगे तो टू ए अपॉन वाई। तो यू नो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टू ए वाई वाई एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये वाला आ जाएगा, फिर ये पॉइंट के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे तो ये वाला आ जाएंगे, स्लोप एम मानोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इट्स वेरी इजी। तो ये पांच पॉइंट आपको बेटा अच्छे से ध्यान में रखना है, इसका मैं मैक्सिमम यूज करूँगा और आपको अभी बताऊँगा भी कि कैसे मैं सारे प्रॉब्लम को ऐसे थिंक कर रहा हूँ। और एक वो पॉइंट तो रह गए कि नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है और वहाँ से आइडिया लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पैराबोला है उसमें y का पावर यहाँ पे 1 है, जिसका भी पावर 1 होगा उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पे y की पावर 1, अगर x की पावर 1 होता तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। और यू नो कि ये x प्लस रखो या माइनस पॉजिटिव होगा, तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो डैट मीन्स ये पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक होगा। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स अभी सी बात है इधर कहीं पाएगा, राइट। अभी बताया था कि फोकस से इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो, ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं पैराबोला का लोकस। तो डैट मीन्स आप देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो भी डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y इज इक्वल टू सम माइनस में कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ऐसा ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन है, डैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिक ही नहीं होगा, तो ये तो गया था। और यहाँ पे y पॉजिटिव आएगा जबकि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो निगेटिव y डायरेक्शन में, राइट। बाय द वे सॉल्व करना हो तो वेरी इजी, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 बाई 3y, तो यही हो गया। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेयर a इज व्हाट, 4 बाई 3। तो फोकस हो गया a इज इक्वल टू 4 बाई 3, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो y इज इक्वल टू माइनस है, डैट इज y इज इक्वल टू माइनस में 4 बाई 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, डैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताना ऑफ द पैराबोला। ये तो ध्यान से देखो, ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो माइनस 2y माइनस 7। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बनाओ तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 आएगा, तो उसको हटाना है हमें तो माइनस 16 करना पड़ेगा, राइट, और माइनस में 2 अभी। तो ध्यान से देखो, तो ये जो है ये इसी के इक्वल है अगर आप इसको ओपन करोगे तो ऐसे आपको थिंक कर लेना इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माइनस 2y प्लस 9, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस 9 बाई 2, राइट, और ये x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4a और ये कैपिटल y, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 4a की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे चूंकि लेंथ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो ये तो माइनस साइन सिर्फ बता रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, राइट। तो 4a की वैल्यू 2, और यू नो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2। वेरी सिंपल। तो कभी अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना गिवन हो तो उसको स्क्वायर बना करके हम ला सकते हैं और फिर रिजल्ट को वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा गया इस पॉइंट का।
पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे क्या होगा अगर पैरामीटर गिवन है -4/3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये भी है कि पहले आप सोचा करो कि अगर पॉइंट पैराबोला पे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा एक ही पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी थिंक कर सकते हैं। क्यों? x 4/9 तो y जो हो जाएगा वो 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 होगा, बाकी सब केस में नहीं हो सकता, राइट। बाय द वे सॉल्व करना हो तो ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो 4a 1/4 लेना पड़ेगा इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपको 1/4। पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना हो तो at2 होगा, राइट। वेयर t की वैल्यू उसने दे दी आपको, पैरामीटर की वैल्यू -4/3 है। तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो 2 और a की वैल्यू 1/4 और t जो है वो -4/3। तो ध्यान से देखो तो ये 4 से 4 कैंसिल तो कितना हो गया -2/3। तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन था, y कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में फोकल डिस्टेंस आपको बताना है ऑफ द पॉइंट 4,4 ऑन द पैराबोला पे विथ वर्टेक्स 0,0 एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो पहले ध्यान से देखो जो बोला है वो आप ड्रॉ कर दो कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो इस टाइप का कोई पैराबोला होगा, राइट। इस पैराबोला पे पॉइंट है डेट इज 4,4 ऑन द पैराबोला। तो फोकल डिस्टेंस तो यू नो इसका जो फोकस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, ये ध्यान रहे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता करना क्या है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो यू नो ये जो पैराबोला जगह वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1 x। यही क्यों लिया सर आपने? क्यों? क्योंकि 4,4 सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 4 पुट करोगे तो 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो यही होगा। डैट मीन्स यहाँ पे a कितना आ गया आपका 1। तो यू नो कि जो फोकस होता है वो 0,a होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ए की वैल्यू 1। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है 0,1, बस ये पॉइंट समझना था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो 4-0 तो 4 का स्क्वायर और 4-1 तो 3 का स्क्वायर, डेट इज 16+9 कितना हो गया, ये आंसर विल बी 5 डिस्टेंस फार्मूला से, सो ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना आपको पैराबोला का जिसका फोकस गिवन था और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो अच्छे अच्छे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। पहले जो बेसिक है आपको बताया था, बेसिक क्या था बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये था, अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसका फोकस था 0 पे और डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो x इज इक्वल टू -a थी। तो कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR वो कितना था 4a। तो वो कैसे हुआ था ध्यान से देखो, इस फोकस से यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स तक डिस्टेंस a था और यहाँ से यहाँ तक भी a, तो मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2a है। तो इसी कंसेप्ट को लगा दो, चूंकि मुझे फोकस गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। तो वो जो भी डिस्टेंस होगा उसका ध्यान से देखो तो वो ये क्या है 2 times of 2a, राइट। तो 2 times करना है तो पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 1-2+3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये ध्यान से देखो तो आप कितना आ जाएगा 2/√2, डैट इज √2। तो ये जो आया वो 2a की वैल्यू आई, हमें कितना चाहिए 4a, डैट मीन्स 2 times of 2a, डैट मीन्स 2 times of और 2a की वैल्यू √2। तो आंसर क्या होगा बी, बिल्कुल बेसिक जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उससे कंपेयर कर देना ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ये लाइन नॉर्मल है टू द पैराबोला ये तो लेमडा की वैल्यू बताना। तो देखो कैसे थिंक करना बेटा, जब आपको लाइन की इक्वेशन दे दी और एक्स वाई का कोफिशियंट अगर आपको मिल गया है तो डैट मीन्स इस लाइन का स्लोप मिल चुका, ऐसे थिंक करना पड़ेगा। नाउ ये पैराबोला राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इस कर्व पे जो भी टेंजेंट होंगी उसका स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो यहाँ से y डैश डेट इज dy/dx कितना आ गया, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा ये 4/y। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, यू नो कि नॉर्मल और जो टेंजेंट होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 -1 होता है, राइट। तो इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा -y/4, राइट। और दिस शुड बी इक्वल टू, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है तो यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है -2, तो यहाँ से y कितना आ गया ध्यान से देखो 8। ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा एकदम बेसिक में, कोई नया फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दिस डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। y 8 आ गया तो यहाँ पुट कर दो तो x भी कितना आ जाएगा आपको 8। तो ये आप पॉइंट फिर
इसमें पुट कर दो, क्यों? क्योंकि ये और वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसको, राइट। फिर ये पॉइंट को आप इसमें पुट कर दो, क्यों? क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और यही पॉइंट इस पैराबोला पे भी है, तो पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा कितना हो जाएगा माइनस में 24, ऑप्शन ए। तो ऐसे थिंक करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लाइन की इक्वेशन अगर दे दे, नॉर्मल टू द पैराबोला पूछा है तो डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट का निकाल लो स्लोप और उसका माइनस 1 बाई कर दोगे तो नॉर्मल का आ जाएगा, कंपेयर कर लो तो वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, पुट कर दो आपका अननोन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला क्या होगा, ये ऑप्शन गिवन है। तो ध्यान से देखो विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लें, इस सर्कल का सेंटर ध्यान से देखो तो 3,0 पे है, राइट। रेडियस कितनी है, 3 है, तो ये सर्कल जो होगा वो इस टाइप का कुछ होगा जो वर्टेक्स से पास होगा। एक पैराबोला वो भी आपका वर्टेक्स से ही पास हो रहा होगा, ऐसे आप ड्रॉ कर दिए, राइट। कॉमन टेंजेंट है, ध्यान से देखो कॉमन टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस टाइप का कुछ आएगा वो, राइट। दोनों को टच करना चाहिए, तो एक बात तो क्लियर है कि एक रफ डायग्राम एवव एक्स एक्सिस पूछा है, तो एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहे हैं, जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये जो पॉइंट हमने बताया कि मैं सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस लाइन पे, तो वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। डैट मीन्स 3,0 से इस लाइन की डिस्टेंस रेडियस के बराबर 3 होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो अगर मैं इस लाइन में 3,0 पुट करूँ तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आएगा। कैसे, तो इसको लिख लो √3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें 3,0 पुट करो तो 0 माइनस 3 माइनस 3, राइट, मॉड ले लेंगे, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यह ध्यान से देखो 6/2 ये आ रहा है 3। बाकी ऑप्शन में चेक करोगे तो नहीं होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, y0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, माइनस में, तो वो आना भी चाहिए था, और अगर x0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आना चाहिए, वो आना भी चाहिए था क्योंकि एवव x एक्सिस बोला था। तो ऐसा बहुत कम ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया है एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम पे बताना है, पैराबोला आपको गिवन था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का बनेगा, राइट। यू नो इसका फोकस हो गया 0 और ये हो गया लेटस रेक्टम जो फोकस से पास हो रहा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 है, ये पॉइंट 2 है। तो इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ का किया गया है और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको बताना है। यहाँ पे जो भी गिवन है वो कंबाइंड फॉर्म में, डेट मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में गिवन है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, क्या इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, तो y डैश कितना आ गया, ध्यान से देखो 2a/y, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप हुआ। मुझे किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का, तो ये 90° पे होंगे, राइट। तो दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इसलिए अगर मैं y डबल डैश नॉर्मल का स्लोप लिखूँ तो क्या हो जाएगा, -y/2a, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 2a, तो वो पुट कर दोगे तो -2a/2a कितना हो जाएगा, -1, तो इसका जो स्लोप हो गया वो -1, और एक का स्लोप क्या हो जाएगा, +1, राइट। ये दोनों लाइन होगी, ये वाली और ये वाली। अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो y-y1 तो 2a इज इक्वल टू स्लोप, तो ध्यान से देखें इसका जो स्लोप बनेगा वो आपका माइनस का बनेगा और इस वाले का स्लोप प्लस का, तो -1 × x-x1, डैट इज ये। तो इसको सॉल्व कर लो तो y-2a इज इक्वल टू -x+a, तो इधर ले आओ तो y+x और इधर ले आओगे तो -3a इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएंगे। और एक और अगर मुझे लिखना हो इस पॉइंट पे, तो y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इसका पॉजिटिव रहेगा 1 और x-x1, तो ये रहेगा। तो ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, y-x+3a इज इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन आपको मिल चुकी है, आप चूंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट के फॉर्म में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, राइट। तो y+x-3a
इंटू वाई माइनस एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये y y से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो y स्क्वायर यहाँ से ये माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, राइट। ये प्लस में थ्री ए वाई हो जाएगा। वैसे ही x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री ए एक्स हो जाएगा। वैसे इसको तो माइनस में थ्री ए वाई माइनस माइनस प्लस थ्री ए एक्स और माइनस प्लस माइनस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस एक्स वाई प्लस थ्री ए वाई माइनस थ्री ए वाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्री थ्री एक्स प्लस सिक्स ए एक्स माइनस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जो ऑप्शन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव बनाया वाई स्क्वायर में, तो माइनस साइन से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स और प्लस में नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस में नाइन स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऐसे करना आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला और आपको इक्वेशन गिवन है। तो ध्यान से देखो, पैराबोला वाई स्क्वायर इजकल टू फोर एक्स ड्रॉ कर दिया, राइट, और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस थर्टी टू वाई ड्रॉ कर दिया। चूंकि वाई स्क्वायर इजकल टू फोर एक्स है तो एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस थर्टी टू वाई है तो वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा। ड्रॉ करने के बाद एक रफ मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि इस लाइन का स्लोप जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से स्लोप तो नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। इनसे पॉजिटिव आ जाएंगे, इनसे पॉजिटिव आ जाएंगे, राइट, स्लोप आ चुका है। नाउ एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर हो रहा है, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए तो यू नो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है, डैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, राइट। ऐसे थिंक करना पड़ेगा बेटा आपको। सर मुझे सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको बता रखा इस पैराबोला पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जिसका स्लोप अगर एम मानता हूँ तो एम एक्स प्लस ए, ए की वैल्यू यहाँ पे यू नो वन है, राइट, तो वन बाई एम, ये फॉर्म आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट। अब अगर ये टेंजेंट इस पे भी टेंजेंट है, मतलब इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में थर्टी टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू वाई की जगह ये पुट कर दो, राइट, एम एक्स प्लस वन बाई एम। अब ये एक क्वाड्रेटिक बना, राइट, बट वी नो कि इस क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए टेंजेंट है, तो क्वाड्रेटिक के रूट इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस में थर्टी टू एम एक्स, राइट, प्लस में थर्टी टू बाई एम इज इक्वल टू जीरो, तो बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इक्वल रूट के लिए, डैट मीन्स बी ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए फोर ए सी के, बी ए स्क्वायर बोले तो इसका, तो ध्यान से देखो थर्टी टू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू कितना है ध्यान से देखो तो वन, और सी कितना है ध्यान से देखो तो थर्टी टू बाई एम, तो यहाँ से एक थर्टी टू से थर्टी टू कैंसिल हो जाएंगे, और यू नो फोर एट द थर्टी टू, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो एम क्यू आ जाएगा वन बाई एट, तो एम आना चाहिए हाफ, वो तो पहले क्लियर था, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, स्लोप हाफ आना चाहिए, तो वो ये है, और इसको पुट कर दो यहाँ पे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। देखो बेटा ये 10 क्वेश्चन हमने बताया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये 10 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मतलब इसका एम ये है कि आपको सोचने का तरीका आना चाहिए, कैसे आपको सोचना है, राइट, बेसिक अप्लाई करना है, ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करना। जैसे इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो राइट, तो ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो जो बेसिक क्वाड्रेटिक के अगर रूट इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो होना चाहिए, ध्यान से देखो, तो इसलिए जो बेसिक मालूम है उसको अप्लाई करते हुए नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करते हुए आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसे जिस दिन सोचना शुरू कर दिए बेटा आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू।